सो पृथ्वी वल्लभ पहले तो एक बहुत ही यूनिक शो है, हम लोगों ने टीवी पे कुछ नया लाने का ट्राई किया है. सो मैं पृथ्वी वल्लभ में एक कर्टिजान का रोल प्ले कर रही हूँ, जो कि वैश्या कहते हैं हम इंडिया में, दैट इज़ अ प्रोस्टिट्यूट. सो एक वैश्या का रोल है नेम कोशा. सो मेरे कैरेक्टर का नाम कोशा है एंड शी इज़ वेरी इनोसेंट, नाइव, स्ट्रॉन्ग एट द सेम टाइम, एंड शी इज़ इन लव विद द राजा ऑफ मानेखेट, जो कि दो स्टेट्स दिखाए गए हैं पृथ्वी वल्लभ में, एक मानेखेट है, एक मालवा है. सो आशीष शर्मा जो पृथ्वी वल्लभ प्ले करे, ही इज़ फ्रॉम मालवा एंड सोनारिका भदौरिया इज़ फ्रॉम मानेखेट. सो आई एम फ्रॉम मानेखेट, वहाँ पे हम लोग का अपना एक कोठा है. तो वहाँ पे वहाँ के जो राजा हैं तैलप राज, तो आई एम इन लव विद हिम. सो ही शी इज़ अ पर्सन हु इज़ selfless and she loves him unconditionally and she is at the same time very naive and bahut hi innocent hai, dil ki bahut saaf hai but strong hai, and she wants to get out of the kotha and she wants to live her life fully. Usko wo life pasand nahi hai, wo apne, she has her own dreams. So basically it's a very strong character, it's a very challenging role. Baat kare to aap kisko idea maante hai? बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली, बट करेंटली अगर मेरे दिमाग में कोई नाम आ रहा है तो वो प्रियंका चोपड़ा है. नॉट बिकॉज सब लोग, ऑब्वियसली काफ़ी लोग कहेंगे प्रियंका चोपड़ा का नाम, काफ़ी लोग लेंगे, बट फॉर वन रीज़न कि जो उनका पैशन है, जो उनमें मैं डिज़ायर, जो फायर देखती हूँ, दैट एक्चुअली इंस्पायर्स मी. सो काफ़ी लोग हैं लाइक प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, लाइक आई डोंट लाइक देम बिकॉज उनकी एक्टिंग या उनका, जस्ट फॉर वन रीज़न देयर पैशन एंड देयर डिज़ायर एंड देयर फायर जो उनके अंदर होती है कि कुछ करना है, कुछ अलग करना है, दैट एक्चुअली फैसिनेट्स मी एंड इंस्पायर मी. अरे बहुत नर्वस थी मैं, बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बिकॉज एक्चुअली जब मैं लॉक हुई थी इस कैरेक्टर के लिए, तो मुझे पता चला था कि दे हैव लाइक्ड मी सो मच, प्रोडक्शन हाउस एंड एवरीवन, तो मतलब उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी थी मुझसे, दे लाइक्ड मी सो मच कि उनकी एक्सपेक्टेशंस की वजह से मैं बहुत प्रेशर में आ गई थी कि ओ आई हैव टू लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस नाउ. तो मेरे लिए अपने अंदर एक बहुत चैलेंज था, बिकॉज ये पूरे शो में अगर आप देखेंगे तो कोशा का कैरेक्टर सबसे अलग है, वो निकल के आता है कि शी इज़ एक्चुअली वेरी डिफरेंट, बिकॉज वो हमेशा उसकी अदा में ही बात करती है, वो शेर व शायरी में ही बात करती है, उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ कविता शेर व शायरी के ढंग में ही बात करती है, तो वो प्ले करना बहुत डिफरेंट था. तो मुझे काफ़ी फिल्म्स देखी मैंने, फ्रॉम मुगले आज़म टू देवदास टू बाजीराव मस्तानी, तो सबके अंदर से थोड़ा 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 मैंने कुछ अपना जोड़ के कुछ बनाया है, बनाने की कोशिश की है. सो आई होप आप सब लोगों को पसंद आए, प्लीज़ देखते रहिए पृथ्वी वल्लभ. बात करें तो क्या कुछ नया आने वाला है पृथ्वी वल्लभ आपके कैरेक्टर से? बहुत कुछ नया आने वाला है, मैं लाइक ये बता नहीं सकती आपको, बट कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप धीरे धीरे देखेंगे. अभी जैसे अगर आपने रीसेंट एपिसोड्स देखे होंगे तो हमारा कोठा जला दिया गया है, क्योंकि लोगों को मैं इतनी पसंद नहीं थी राजमहल में, क्योंकि तैलब और मेरी लव स्टोरी जो चल रही है, बिकॉज तैलब भी मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी तैलब से प्यार करती हूँ, तो उस वजह से लोगों को काफ़ी खटक रही थी मैं, तो उन्होंने पूरा कोठा ही जला दिया. तो अभी हम लोग कैसे ना कैसे वहाँ से बच बचा के निकल गए हैं, एक दीवार के अंदर सुरंग जाती है, तो अभी फ़िलहाल हम लोग उस सुरंग में रह रहे हैं. उस सुरंग से जैसे बाहर निकलते हैं वहाँ से कहानी शुरू होती है, बहुत इंटरेस्टिंग होती है, आप प्लीज़ देखते रहिए. बात करें अब तक के सफर के बारे में, तो सबसे पसंदीदा किरदार आपका कौन सा है? बात करें कोशा, कोशा डेफिनेटली कोशा. मैं एक्चुअली अगर आप लोगों को बताऊँ, मैं शुरू के कुछ महीने, हम लोग का अगस्त से शूट शुरू हुआ था, मैं शुरू के कुछ महीने कैरेक्टर में इतनी घुस गई थी कि मैं घर जाती थी तो भी कोशा ही होती थी, सेट पे आती थी तो भी कोशा ही होती थी. मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते थे यार अब तो बाहर आ जा, मतलब
कोशा इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट. जब मैं शूट नहीं करती हूँ आई लिटरली मिस कोशा. आई लिटरली मिस कि वो कॉस्ट्यूम कब मैं पहनूंगी, कब मैं वापस से कोशा बनूंगी. आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन व्हेन आई एम इन कॉस्ट्यूम कोशा बन के. मैं बहुत खुश रहती हूँ. तो कोशा डेफिनेटली इज वन ऑफ द माई फेवरेट एंड वन ऑफ द चैलेंजिंग कैरेक्टर्स आई हैव एवर प्लेड. यार अभी तो अभी फिलहाल आई एम टोटली डिवोटेड टू पृथ्वी वल्लभ ओनली, क्योंकि अभी ट्रैक अभी हम लोगों की सीजन टू की शूटिंग शुरू हो गई है. सो आई होप यू गाइज नो दैट पृथ्वी वल्लभ हैव टू सीजन्स, हैज टू सीजन्स. सीजन वन एंड सीजन टू बोथ हैज 40-40 एपिसोड के सीजन हैं. तो हम लोग वी हैव ऑलरेडी शॉट सीजन वन, सो वी हैव स्टार्टेड शूटिंग फॉर सीजन टू. सो अभी फाइन लाइक अभी तो आई एम फुल्ली डिवोटेड टू पृथ्वी वल्लभ ओनली. आई डोंट नो अभी कुछ आएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी.